अस्सलाम वालेकुम यर्स, दिस इज़ बिलाल ब्लॉगर एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास एफिलिएट वेबसाइट है और आप स्ट्रगलिंग कर रहे हैं कि किस तरह बैकलिंक्स जो है हाई क्वालिटी के जनरेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बैकलिंक्स की एक ऐसी टेक्निक आपको दिखाने जा रहा हूँ और प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊँगा, जहाँ से मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और उस टेक्निक का नाम है रिसोर्स पेजेस। जी हाँ, रिसोर्स पेजेस के थ्रू भी आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये प्योर वाइट हैट टेक्निक है, जो कि गूगल इसको बड़ा लाइक करता है। और इस तरह के जो बैकलिंक्स होते हैं, डेफिनेटली इससे आपकी रैंकिंग को बूस्ट मिलता है और आपकी वेबसाइट गूगल में टॉप पे आ जाती है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और साथ ही साथ वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, तो स्क्रीन आप देख सकते हैं, और बैकलिंक की जिस टेक्निक पे हम बात करेंगे उसे कहते हैं रिसोर्स पेजेस। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है और डेफिनेटली टाइम टेकिंग भी है। इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको रिस्पांस नहीं भी करते, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्किंग करें, स्ट्रगल करते रहें, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा कि कैसे मैंने इससे एक लिंक जनरेट किया था। तो रिसोर्स पेजेस बेसिकली होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल के आप कोई भी कंटेंट लिखते हैं, हम कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप ये अगर कोई हेल्थ की वेबसाइट है तो आप स्लीप पे कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो बहुत सारे वेबसाइटें ऐसे हैं, वो बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो रिसोर्स पेजेस उन्होंने एक अलग बनाए होते हैं, वहाँ पर जितना भी कॉन्टेंट होता है उसके वो रिसोर्स दे रहे होते हैं। यानी स्लीपिंग से रिलेवेंट जितना भी बेस्ट कॉन्टेंट होता है, वहाँ पर एज आ रिसोर्स उसको बैक लिंक जो है आपकी वेबसाइट को मिल जाता है। या इससे अलावा अगर हम होम डेकोरेटिंग या किचन निश पे बात करें, तो होम डेकोरेटिंग आइडियाज़ इससे रिलेवेंट बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं कि जो अपना रिसोर्स पेजेस उनके होते हैं और उनके बैक लिंक्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये देखें, एक आर्टिकल लिखा हुआ इम्प्रूविंग स्लीप, ठीक है। ये स्लीप ऐप, इन्होंने आर्टिकल्स कुछ लिखे, आर्टिकल्स लिखा हुआ है। नीचे देखें एडिशनल रिसोर्सेज, नीचे इन्होंने रिसोर्सेज ऐड कर दिए हैं डिफरेंट जो है ना वेबसाइट्स के, और साथ उनके ये देखें लिंक्स दे दिए हैं। तो इसको बेसिकली कहते हैं रिसोर्स पेजेस। तो हम इस टेक्निक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपना कोई ऐसी गाइड लिखी है, एक अच्छा कॉन्टेंट लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेल्थ की वेबसाइट है या कोई आप हेल्थ से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, और साथ ही आप ब्लॉग भी आपने बनाया हुआ है, ब्लॉग पे आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखते हैं, तो आप एक अच्छा सा पावर पेज टाइप आर्टिकल लिखें। यानी 3,000 या इससे भी अगर ज़्यादा लिखा जा सकता है तो लिखें, एक बिल्कुल उसको हर एंगल से कवर करें। जब आप उसको लिख लेंगे तो आप अप्लाईज़ के लिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं। मैं आपको एक देता हूँ टिप, स्लीपिंग टिप्स, फिर आपने डालना है जी प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद आपने यहाँ पे डालने हैं कॉमास के अंदर, आपने लिखना है रिसोर्स पेजेस, ठीक है। तो ये आ गई, आपने इस तरह करके फाइंड करनी है। ये देखें, इससे रेलिवेंट जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ से आप फिर देख सकते हैं कि जो आपके मेयार पे पेज पूरा उतरता है, यानी जहाँ पे ऑलरेडी कुछ रिसोर्स पेज दिए हों, तो फिर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें है सच कोई रिसोर्स पेज नहीं है। फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखें कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये रिसोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे देखें जी, ये वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। एकेडमिक स्किल सेंटर इम्प्रूविंग स्लीप, ये स्लीप से रिलेवेंट एक आर्टिकल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिखाई है। यहाँ पे देखें रिसोर्स पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो यहाँ से कांटेक्ट होगा, डिपार्टमेंट एडिटोरियल डिपार्टमेंट होगा, आप उनको यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ कि कैसे मैंने ई मेल के थ्रू अप्रोच किया है और उनको बताया कि मेरा इस तरह एक स्लीप पे लिखा हुआ था कॉन्टेंट, और आप अगर इसको एज ए रिसोर्स ऐड कर लें। तो ये बेसिकली एक वेबसाइट थी, मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको,
कि कैसे मैंने उनको अप्रोच किया है और फिर उसके बाद जो है मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ईमेल की, आई वॉज लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन ऑन स्लीपिंग टिप्स व्हेन आई केम अक्रॉस योर एक्सीलेंट पेज। ये पेज हम ओपन करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि जी मैं स्लीप टिप्स पे कुछ सर्च कर रहा था और उससे रिलेवेंट मुझे एक आपका पेज मिला जो कि ये है, व्हाट अ फैंटास्टिक लिस्ट ऑफ रिसोर्स पेजेस। यहाँ पे एक्चुअली रिसोर्स पेजेस की आप देखें एक पूरी लिस्ट थी, यहाँ पे डिफरेंट रिसोर्स इन्होंने डाले हुए हैं, ये आप देखें बहुत बड़ी लिस्ट है। फिर उन्हें मैंने क्या कहा कि आई एक्चुअली जस्ट पब्लिश समथिंग हेयर। यहाँ पे एक वेबसाइट थी जो कि एक पावर पेज हमने लिखा था, 9 सिंपल एंड इफेक्टिव टिप्स टू हाउ टू स्लीप बेटर, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये वेबसाइट किसी और ऑनर ने बाय कर ली थी और उन्होंने उसको अपने तरीके से फिर रीडिज़ाइन किया है। तो फिर उसे मैंने कहा कि इट माइट मेक अ नाइस एडिशन टू अंडर यूर अपडेट हेडिंग्स, आइदर वे कीप अप द ग्रेट वर्क, चीयर्स। ठीक है, मैंने उसको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया, मैंने जस्ट सिंपल उसे कहा कि मैं स्लीपिंग टिप्स के बारे में सर्च कर रहा था और आपका ये बड़ा मुझे बड़ा अच्छा कंटेंट लगा और इस पे एक्चुअली एक लिस्ट है रिसोर्स पेजेस की, तो एक्चुअली मैंने भी एक इस तरह का कंटेंट लिखा है जो कि बड़ा अपडेटेड कंटेंट है और अगर आप इसको अपने पेज में एज अ रिसोर्स पेज इंक्लूड करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज मैंने उन्हें कहा कि कीप अप द ग्रेट वर्क। फिर नीचे आप देखें उन्होंने, मैंने वैसे अपना डमी नाम रखा था, हाय माया थैंक यू फॉर अलर्टिंग मी टू दिस एक्सीलेंट पीस, आई हैव जस्ट नाउ एडिड इट टू माई ओन पोस्ट हेयर। यहाँ पे आप देखें कि मुझे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कितना अच्छा इन्होंने पिच किया और उसने कहा कि जी मैं डेफिनेटली इस रिसोर्स पेज को अपने उस पर ऐड करूँगी। और यहाँ पे आप देखें कि फिर यहाँ पे अपने जितने भी यहाँ पे रिसोर्स हैं इस रिसोर्स में उन्होंने मुझे एक बैकलिंक एज अ बैकलिंक यानी ऐड किया और यहाँ पे मुझे एक बड़ा अच्छा क्वालिटी का बैकलिंक मिल गया। तो ये थी रिसोर्स पेज की टेक्निक, बड़ी सिंपल है, इसमें कोई इतना वो नहीं है कि आप कहेंगे कोई रॉकेट साइंस है। यहाँ पे आपने जस्ट मैंने आपको बताया कि आप कैसे स्लीप रिसोर्स पेजेस अपनी जो भी नीश हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके अलग अगर टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट है तो यहाँ पे आप कोई जो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है उससे रिलेवेंट यहाँ पर आप क्यूरी टाइप कर सकते हैं, या आपकी होम इम्प्रूवमेंट या किचन से रिलेवेंट नीश है तो आप यहाँ पर उससे रिलेवेंट कर सकते हैं कि होम डेकोरेटिंग आइडियाज़, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं होम डेकोरेटिंग टिप्स आइडियाज जो भी है प्लस रिसोर्स पेजेस। तो यहाँ पे आप देखें ये ऊपर तो पिंटरेस्ट आ रहा है लेकिन नीचे ये कुछ आ रहे हैं इस तरह के रिसोर्स पेज, और इस तरह आप अपने जो है ना रिसोर्स पेजेस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से बड़े आप क्वालिटी का बैकलिंक्स आपको रिसोर्स पेजेस के थ्रू मिल सकता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि आप कैसे पिच कर सकते हैं और अपना जो है एक अच्छा क्वालिटी का बैकलिंक्स ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको ईमेल पैटर्न भी बताया है कि जो मैंने यूज़ किया और मुझे देखें बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है और इस बंदे ने मेरा जो आर्टिकल था उसको अपने पेज में एज अ रिसोर्स पेज ऐड कर लिया और यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा क्वालिटी का लिंक मिला है। तो ये थी जी रिसोर्स पेज की टेक्निक बैकलिंक्स जनरेट करने की। तो अगर आपका कोई भी इससे हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जी तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिसोर्स पेजेस की टेक्निक जरूर पसंद आई होगी और अगर इसके हवाले से आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो काइंडली आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।